हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, क्या हाल हो गया है उसका। इस पार्टी का कोई नेता उत्तराखंड में वोट मांगने के लिए आया क्या? सिर्फ दो भाई बहन, एक परिवार के दो भाई बहन घूमते फिरते हैं। इतना बड़ा देश, उनका कोई नेता नहीं आता है, क्यों भाई? इतने सालों पुराने, कितने पुराने मुख्यमंत्री हैं, पुराने कितने केंद्र के मंत्री रहे हैं, पुराने कितने उनके गवर्नर रहे हैं, 50-60 साल में कितनी बड़ी भरमार है उनके पास, कोई नहीं आ रहा है, कोई। सिर्फ ये दो भाई और बहन, क्योंकि उनको कांग्रेस नहीं बचानी है, परिवार बचाने के लिए निकले हैं। उत्तराखंड का तो सवाल ही नहीं है, देश की इनको चिंता नहीं है। उनकी पार्टी के लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपका भला कैसे कर सकते हैं भाई? आप मुझे बताइए, कांग्रेस के पास कुछ बचा है जो आपको काम आए? कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है ना, तो इनके पास जाकर के क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा? और इसलिए जब आप 14 तारीख को वोट देने के लिए जाएं, तो ये जरूर याद रखें, कमल के लिए आपका हर एक वोट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। ठंड कितनी ही क्यों ना हो, आज जैसे धूप खिली है वैसी धूप खिले या न खिले, कमल खिलना चाहिए। 14 तारीख को कमल खिलना चाहिए, और ब्रह्म कमल वाला कमल है ये, हम ब्रह्म कमल वाले लोग हैं। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।